ओम शांति। हम सभी सेवाओं के फील्ड में रहते हैं, सेवाएं हमारी फलीभूत हो इसके लिए आवश्यक है हम सभी के वाइब्रेशंस बहुत अलौकिक, बहुत पवित्र, बहुत शक्तिशाली हों। यदि किसी स्थान पर हम सेवा कर रहे हैं और वहां के वाइब्रेशंस ऐसे हैं शक्तिशाली पवित्र, तो देव कुल की आत्माओं को और अन्य अच्छी आत्माओं को हमारे उस स्थान पर आने का आकर्षण होता है, चाहे वो सेवा केंद्र हो, चाहे हम कहीं कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हों। हम इस पे ध्यान दें, सेवाओं से पहले हम उस स्थान के वाइब्रेशंस को बहुत पावरफुल बना दें। और इसकी विधि है हम सदा एक मत रहें, किसी भी छोटी मोटी बात में, कहीं भी मान सम्मान के कारण, मुझे चांस मिले इसे न मिले, मुझे ही देना चाहिए इसे क्यों दिया, इन बातों से टकराव में ना आ जाएं, मन मुटाव न कर ले, रूस न जाएं। कईयों को रूसने की बहुत गंदी आदत होती है। भगवान के बच्चे भी यदि रूसते हैं तो दो चार लोग उन्हें मनाने में लगे रहते हैं, वाइब्रेशंस भारी हो जाते हैं। ये नहीं करना है, हम तो बाबा के कार्यों को सफल करने के लिए आए हैं, हमें उसमें कहीं भी विघ्न नहीं डालना है। तो टकराव से बचेंगे, एक रस अवस्था रहे सबकी। सेवाओं के जो निमित्त भी हैं, उन्हें भी इस बात पे ध्यान देना है कि सेवाओं की सफलता हमारे एक मत और एक रस स्थिति पर निर्भर करती है। यदि हम ही अलग अलग मतों वाले हो जाएंगे तो एक मत का राज हम कैसे स्थापित करेंगे। हमें जो सबको एक मत सुनानी है, एक की मत सिखानी है, वो होगा नहीं। तो हम एक मत होने के लिए एक की मत पर चलते रहें, और वो भी एक वो है जिसे हम जन्म जन्म प्यार करते आए, जो हमारा बहुत शुभचिंतक है, जो हमें अपना सब कुछ देने आया है। संसार में तो कोई ये भी कह देता है कि इनकी मत पर हम क्यों चलें, दूसरों की मत अच्छी नहीं लगती, मनुष्यों की मत में मतभेद भी होता है और कहीं कहीं स्वार्थ भी होता है, लेकिन हमें तो मत मिली है उसकी जो हमारा परम कल्याणकारी है, जो हमारा हित चाहता है, जो हमें प्रेम देने आया है, जिसने हमें अपनी सेवाओं में हिस्सेदारी दी है। तन मन धन से मेरे इस कार्य में मदद करो तो तुम श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी बन जाओगे। तो हम देख लें, किसी भी कारण से, कोई भी कारण हो, हम वाइब्रेशंस को निगेटिव ना करें। कई लोग मन मुटाव के कारण ये भी सोचते रहते हैं, देख लेना बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग लेकिन कुछ भी सफलता नहीं मिलेगी। कई ये भी कहते रहते हैं, ये तो बस इनसे ही सेवा कराते हैं, देख लेना कुछ भी नहीं होने जा रहा है। ये निगेटिव वाइब्रेशंस स्थान को बहुत हल्के वाइब्रेशंस वाला बना देते हैं। जो बुद्धिमान हैं, जो समझदार हैं, जो बाबा के सच्चे मन से सहयोगी हैं, वो तो हर परिस्थिति में एक ही संकल्प रखेंगे, सेवा कोई भी कर रहा हो, निमित्त कोई भी हो, धन किसने भी लगाया हो, लेकिन ये हम सब की सेवा है, ये हम सब की सफलता है, देव कुल की आत्माओं को आकर्षित करना हमारा परम कर्तव्य है, इसलिए ये सेवा सफल हो। और रोज चुपचाप बैठकर उस स्थान को गुड वाइब्रेशंस देने चाहिए, जैसे मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मेरे मस्तक से, नैनों से निकलकर उस स्थान को जा रही हैं, जैसे वो सारा स्थान पवित्र वाइब्रेशन से भर गया है।
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा की शक्तियाँ मुझ में समाकर मेरे मस्तक से उस स्थान को पहुँच रही हैं, वो स्थान चार्ज हो रहा है, संकल्प कर दें जो भी यहाँ आएंगे वो चार्ज हो जाएंगे, वो अपने देव स्वरूप को पहचान लेंगे, उनका बाबा से मिलन होगा। तो आज सारा दिन ये दोनों अभ्यास करेंगे और हम सब बाबा के सपूत बच्चे हैं, इसी स्मृति में रहेंगे। ओम शांति।